जैसे जैसे लॉकडाउन की डेट बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से बिहार बोर्ड के छात्रों की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें अपने रिजल्ट के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट कब आ सकता है, कब आने की उम्मीद है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। एक और बात जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस तरीके को देखते हुए बिहार बोर्ड बहुत अहम फैसला ले सकती है जो आज के पहले कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो बीच में छोड़िएगा मत, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि मार्च में ही बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए थे और सभी को ऐसा अनुमान था कि 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में 10वीं के भी रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था, जो किसी ने ना सुना था ना किसी ने देखा था। कुछ ऐसा हुआ, 2 महीने के लिए पूरा देश लॉकडाउन, और अभी तक ये भी नहीं पता है कि आगे क्या होगा। उम्मीद थी कि 3 मई को खुल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो कब तक खुलेगा ये भी कोई नहीं कह सकता कि आने वाले 17 तारीख को खुल जाएगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें छात्रों के लिए है, पूरे देश भर के छात्रों के लिए, चाहे कोई भी हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो। और बिहार बोर्ड के छात्रों की तो परेशानी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें अपने रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ रहा है, बच्चों को अपने रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट कैसा भी आए, अच्छा आए बुरा आए, जब वो आ जाते तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले अनुमान था कि चलो 12वीं के रिजल्ट के बाद 4 दिन बाद 10वीं का भी आ जाएगा। उसके बाद जब पहला लॉकडाउन हुआ तो लगा कि चलो 14 अप्रैल के बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 मई तक बंद हो गया, फिर 17 मई तक बंद हो गया। तो दोस्तों, इस बीच बहुत ही परेशानी बढ़ चुकी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को नहीं समझ आ रहा। कि इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि रिजल्ट आने की कब संभावना है, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत जगह देखा। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले कई जगह देखा पढ़ा, तो उसमें मुझे लगा कि हाँ, इस दिन बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि इस दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। देखो, इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने सारी वेबसाइट चेक की, बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की, कई सारी न्यूज़ वेबसाइट चेक की, उनके चैनल चेक किए, तो बहुत जगह मुझे एक चीज़ देखने को मिली। बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुमान है, जैसा कि उस पर लिखा गया है, कि 2 हफ्ते में बिहार बोर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि 14 तारीख तक 15 तारीख तक बिहार बोर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे। और जबकि उनका ये 1 घंटे पहले अपडेट था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 17 मई तक तो लॉकडाउन ही है और अभी तक कॉपी भी पूरी चेक नहीं हुई, तो 14 तारीख तक 15 मई तक कैसे रिजल्ट आ सकता है। आपको एक बात मैं और बता दूँ इस वीडियो में, कुछ दिन पहले बिहार बोर्ड ने बिहार सरकार से एक रिक्वेस्ट की थी कि जो बोर्ड की कॉपी है उसे घर पर ले जाके चेक करने की अनुमति दी जाए, लेकिन बिहार बोर्ड ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बोर्ड की कॉपी है तो ये स्कूल में ही चेक होगी, इसे घर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके लिए जो बिहार बोर्ड में पहले केसेज हो चुके हैं, कांड हो चुके हैं, उसके लिए ऐसा अनुमति नहीं मिल पाई। तो अभी तक जब कॉपी ही नहीं चेक हुई है, तो 2 हफ्ते में रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? और कॉपी तब चेक होगी ना जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे, और स्कूल कॉलेज तभी खुलेंगे जब लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो ये चीज़ें और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है दोस्तों। आज के पहले ना आपने कभी ऐसा सुना देखा, ना हमने कभी देखा, ना हमारे पेरेंट्स ने, ना हमारी फैमिली में किसी ने ऐसा देखा। ये बहुत ही रेयर केस है। देखो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता, ना आप कह सकते, ना मैं कह सकता, बस हम सब लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक गेस किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो है, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो के बोला था कि ऐसा कुछ हो सकता है जो आज के पहले नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों जो अभी हो रहा है ये भी आज के पहले नहीं हुआ, तो इसके फलस्वरूप वो होगा जो आज के पहले नहीं हुआ। बिहार बोर्ड को दिल्ली सरकार की तर्ज पे काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने CBSE से ऐसे अपील की है कि जो 10th और 12th के छात्र हैं उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए। बाकी सारे क्लास के तो छात्र प्रमोट हो ही गए, लेकिन जो 10th 12th के छात्र हैं वो भी प्रमोट कर दिया जाए। हालांकि CBSE इस पर भी फाइनल निर्णय नहीं ली है, लेकिन अगर यही स्थिति रही, यही सिचुएशन रही, लॉकडाउन और बढ़ते गए तो यही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारी चीज़ तो होती है। एग्ज़ाम होगा, फिर कॉपी चेक होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। तो पहले ही इधर 2-3 महीने लेट हो चुके हैं, तो आपके और लेट हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं बिहार बोर्ड भी 10th और 12th के छात्रों को प्रमोट कर दे, उनके जो पिछले
रिकॉर्ड है उनके अकॉर्डिंग, जो उनके छमाही में एग्जाम हुए हैं या फिर जो 9th में 11th में जो उनके परफॉर्मेंस थे उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप बताओ कमेंट में कि आपको क्या लगता है बिहार बोर्ड को क्या करना चाहिए रिजल्ट के लिए, आपको क्या लगता है कि घर पे कॉपी चेक करने के लिए अनुमति दे देनी चाहिए या फिर डायरेक्ट स्टूडेंट को प्रमोट कर देना चाहिए, 10 से उनको 11 में कर देना चाहिए, 12 वाले को भी पास कर देना चाहिए, 10 वाले को आप पास कर देना चाहिए जैसा उनके पिछले स्कूल में रिकॉर्ड रहे उसके अकॉर्डिंग। मुझे तो लगता है कि घर पे कॉपी चेक करने की अनुमति दे देनी चाहिए या फिर पास भी किया जा सकता है। तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो कि आपको क्या लगता है दोनों में कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, घर पे कॉपी चेक करने की अनुमति दी जाए या फिर उनको प्रमोट कर दी जाने की पास कर दे। तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता ताकि मुझे पता चले कि लोग के मन में क्या है, लोग क्या सोचे। तो आप ज़रूर से कमेंट करें जो भी आपके मन में है कोई सुझाव है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप सभी ने इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।